अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। समस्या किन किन गाँव से कितने लोग आए हैं? लेके आए थे ग्राम भीमसी कांकड़ करनाखेड़ी कांकड़ तुमरावदा कांकड़ ग्राम आबादी में करवाने के लिए आए थे। उन गांव को ग्राम गांव चरण में कर रखा है, तो कलेक्टर महोदय जी से यह निवेदन करने आए थे हम कि ग्राम आबादी में करें और हमें पट्टे वितरण करवाएं। ग्राम भीमसी में 200 घर की बस्ती है, हर गांव में तुमरावदा में भी 150 घर की बस्ती है। ये सर्वे करवाएं और उसकी जाँच करवाएं और जिसके बाद में ग्राम आबादी करवाएं। कब से मांग करते आ रहे हैं भैया? मांग तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर महोदय जी के पास भी आ गए हैं हम आज और आए हैं। अगली बार पहले भी आए थे हम, विधायक मोदी जी के पास में भी गए, उन्होंने विश्वासन दिया हमें। ठीक है, आज क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? आज से आश्वासन ये मिला है हम जांच करवाएंगे और फिर ग्राम अवधि में करवाएंगे। यदि अभी मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या करोगे आप? हम आगे तक जाएंगे भैया, भोपाल जाएंगे। भोपाल जाएंगे भैया, 80 साल से रह रहे भैया, 80 साल काफी समय से निवास कर रहे हैं। स्थानीय सरपंच सचिव के पास आते हो तो क्या बोलते हैं वो? नहीं, वो तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं करते हैं वो, सुनवाई करते अभी तक ग्राम आबादी में हो जाते सरपंच। तो आप क्या ये ग्राम आबादी में कभी लाभ नहीं मिला तो किन किन योजना से वंचित है आप? भैया सब योजना से वंचित है हम तो, नाली से वंचित। सबसे बड़ी समस्या हमारी है नाली की भैया, पानी बरसात में गरीबों के घर में भरा जाते हैं। बहुत सारे गरीब भी हैं, सभी सर्व समाज रहती है वहाँ पे, सर्व समाज। गाँव घर पा निकाल लो तो वो जैसे ठीक है। आपका परिचय? राजेश नायक, जिला अध्यक्ष देवा क्षत्रिय नायक समाज।